आज हम देखने वाले हैं कि नाचनी खाने के बाद शुगर घटती है या बढ़ती है। नमस्कार, मैं हूं मनोज, डायबिटीज गुरु जी में आप सभी का स्वागत है। चलिए चेक करते हैं। तो हमने ये नाचनी ले लिया है, नाचनी आप देख सकते हैं, ठीक है। नाचनी बोलो, रागी बोलो, मड़ुआ बोलो, या फिंगर मिलेट, ये इसको फिंगर मिलेट भी बोल सकते हैं। ये देखिए, ठीक है, आप देख लीजिए, ये इसको ऐसा कलर होता है इसका, क्योंकि इसमें कैल्शियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, इसका इसका कलर ऐसा होता है, ठीक है। तो हमने ये आटा ले लिया है, ठीक है, आप देख सकते हैं ये नाचनी का आटा थोड़ा सा लाल होता है, क्योंकि इसमें कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होती है। हाँ, तो ये 50 ग्राम आटा लिया था, ठीक है। तो 50 ग्राम आटे का हमने दो लोइयाँ बनाई है, ये दो लोई बनाई है। हाँ, इसका वेट दो थे, ये देखिए 100 ग्राम आता है, ठीक है। 50 ग्राम आटे को गर्म पानी में साना गया है, ठीक है। गर्म पानी में इसको गूँथ लेंगे। गर्म पानी में गूँथने के बाद इसको आधा घंटा रख दीजिए। आधे घंटे के बाद ये देखिए स्पंची हो जाएगा, ये देखिए पूरा बॉल तरह स्पंची हो जाता है, फूक जाता है, क्योंकि इसमें फाइबर होता है, इसमें समझ लीजिए। तो इसका हम रोटी बना के आपको दिखाते हैं कि खाने के बाद क्या होता है। तो चलो इसकी रोटी बनाते हैं, फिर इसका रिव्यू करते हैं। जैसा कि ये रोटी देख रहे हैं आप, रागी का रोटी देखो एकदम लाल रहती है, लाल रोटी हो जाती है इसकी, ठीक है। तो रागी रोटी बन रहा है, प्लस ये सब्जी तैयार हो रही है मूली की, ये देखिए ये मूली जो थी, ये मूली ली गई थी, हाँ ठीक है। ये मूली का, ये मूली की सब्जी है, हाँ ये मूली की सब्जी बना रहे हैं। ये सब्जी तैयार हो रही है, देख लीजिए, हाँ सब्जी पूरा बन रहा है, हाँ इसको खा के दिखाते हैं। बाकी रोटी तैयार हो रही है, चलिए फिर इसको खा के दिखाते हैं। देखो रोटी फूक जाती है पूरा, हाँ ध्यान दीजिएगा, देखो रोटी फूकती है ऐसा, हाँ और पूरा रोटी काली और लाल दिखेगी, इसका कलर देख लीजिए ऐसा रहेगा, ठीक है। बढ़िया रोटी बनती है, हाँ और इसको गर्म पानी में ही सानिएगा तो रोटी बहुत बढ़िया बनेगी, ठीक है, देख लीजिए, ठीक है। चलिए चेक करते हैं। तो मैंने आपको बाकी दिखाई दिया था, तो मैं रोटी ले लिया हूँ जो आपको 100 ग्राम रोटी दिखाया था। तो एक रोटी का वेट देखिए कितना है, 40, और ये दूसरा रोटी का वेट 80। तो मैंने 100 ग्राम आटा लिया था, मतलब मैंने आटा लिया था 50 ग्राम, उसको जब गर्म पानी में गूँथ लिया, उसको लगभग मैंने एक घंटा रख दिया था, गूँथ के एक घंटा रख दिया। फिर उसके बाद लगभग आधा घंटा भी रख सकते हो, एक घंटा भी रखो, लेकिन कम से कम आधा घंटा रखो, ठीक है। वो रखने के बाद फिर मैंने रोटी बनाई, तो लगभग 40 ग्राम की एक रोटियाँ बनी है, 20 ग्राम पानी जल गया उसका। बाकी मैंने फिर लिया है, देख लीजिए मूली, ठीक है। मूली के साथ मैंने क्या किया है, ये सब्जी ली है, इसी मूली की सब्जी बनाई, मूली की सब्जी बना दी है, और प्लस टमाटर, काकड़ी, थोड़ा मूली, थोड़ा सा प्याज, और ये आपकी पत्ता गोभी, और एक मिर्ची ले लिया है। और इसको खा के अब मैं आपको बताता हूँ कि शुगर कितनी होती है, ठीक है। तो शुगर चेक कर लेते हैं अभी फ़िलहाल, शुगर कितनी हमारी है। हाँ, तो नाचनी की रोटी पे काफ़ी ज़्यादा कमेंट आया था भाई, बहुत ज़्यादा कमेंट आया था। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है, मैं भी समझता हूँ, लेकिन क्या कर सकता हूँ, क्या सब चीज़ दिखाने के लिए ज़रूरी है। अगर सब चीज़ें नहीं दिखाऊंगा तो आप लोग को लगेगा कि भाई ये झूठ बोलता है, सब ऐसी बता रहा है, फोकटबाजी कर रहा है। तो थोड़ा सा इसको दिखाने के लिए भाई थोड़ा सा वीडियो लंबी हो जाती है, तो वीडियो को आप थोड़ा लंबे तक देखिए। वीडियो में सब कुछ बताता हूँ, कोशिश करता हूँ सब कुछ बताने की। नहीं आया भाई, आप लोग भी करते होंगे तो ठीक है। ये देख लीजिए, वो 104, अभी मेरी जो शुगर है 104 है, सुबह के 10 बज रहे हैं, हाँ ठीक है, लगभग 10 बज रहा है, ठीक है। तो 104 है, हाँ तो 104, ठीक है, ये देख लीजिए 104 है, हाँ। तो खा के देखते हैं कि कितनी शुगर मेरी बढ़ती है, ठीक है। नाचनी खाने के लिए बहुत अच्छी होती है, और ये देख लीजिए पूरा मैंने आइटम ले लिया है, तो मैंने सब आइटम ले लिया है, ठीक है। तो इसको बंद कर देते हैं,
इसी कोई ज़रूरत नहीं है। और आपको दिखा दिया, सारा आइटम ले लिया। अब मैं थोड़ा सा खाता हूँ, तो थोड़ा सा वीडियो फास्ट होगा, थोड़ा सा निकाल दे इसको। तो फटाफट खा के बताता हूँ, वीडियो थोड़ी भगानी पड़ेगी भाई, क्योंकि इतना सारा आप देख लीजिए, सलाद जितना आप में रोटी है उतना ही उसमें सलाद भी है। तो सलाद खाना बहुत ज़रूरी है, अगर शाम के समय तो आप सलाद कंपलसरी ही खाइए, नहीं तो आपकी शुगर बढ़ के ही दिखने वाली है। और ये सब्ज़ी है, सब्ज़ी हरी सब्ज़ी आप खाइए। और खाने में बड़ी अच्छी लगती है, खाने में कोई दिक्कत नहीं है इसको। ये देखिए मुलायम रोटी एकदम, कोई दिक्कत नहीं इसको, मुलायम रोटी होती है। और ये पत्ते भी खाऊंगा मैं, देखिए जो मूली है इसके पत्ते आप खा सकते हो, क्योंकि जो ताज़ी मूली आती है खाइए, आप बिंदास खाइए, कोई दिक्कत नहीं है, बस मूली खाओ, नो डाउट, कोई तकलीफ नहीं, सलाद खाओ। टमाटर खा सकते हो, कहता है पत्ता गोभी खाओ। आप चाइनीज दुकान जाते होगे तो आपको मंचूरियन देता है ना वो सलाद, पत्ता गोभी, तो आप भी खाइए इसको, क्या तकलीफ है। और हरी सब्जियां जो है ये बहुत फायदेमंद चीज़ है, हरे पत्ते सब्जी आप जरूर खाइएगा, नहीं तो क्या होगा आपके बॉडी में फैट जमा होगा, ख़त्म नहीं होगा। भाई भाई वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लोगों में शेयर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत मेहनत से बना रहा हूँ भाई। और ताकि काफ़ी कमेंट था, अब मैंने गिलो भी वीडियो बना दिया, वो भी जाके देख लीजिएगा आप। मूली बहुत फायदेमंद चीज़ है, यदि आपके पेट में गैस है, कुछ तकलीफ है, आप खाइए। मुझे कोई चीज़ कड़वी लगती नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मैं सब चीज़ हरी चीज़ें खाते रहता हूँ, पत्ते भी खाते रहता हूँ भाई। मुझे कड़वा नहीं लगता। मेरी शुगर 104 थी, मैं 2 घंटे बाद चेक करता हूँ लगभग कितना हो रहा टाइम, खाना खा के हो गया 10:05, ठीक है, तो 10 मतलब मैं 12:05 को चेक करूँगा, 2 घंटे के बाद लगभग लगभग 10:05 हो रहा है, ठीक है, तो मैं 12:05 को उसको चेक करूँगा शुगर कितनी आती है। बाकी रागी पे बहुत सारा वीडियो, बहुत सारा वीडियो है यूट्यूब पे, गूगल पे, आप किसका भी जाके देखिए, बहुत जानकारी दी हुई है, जो कि इसका मैं आपको बता देता हूँ, इसमें जो कैल्शियम था, इसमें कैल्शियम जो पाया जाता है वो 344, सबसे ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है, 100 ग्राम में 344 मिलीग्राम कैल्शियम पाया जाता है, सबसे ज़्यादा कैल्शियम इसमें। अगर आपको घुटनों में मतलब हड्डी में यहाँ वहाँ दर्द होगा, कहीं होगा, आप खाइए, आपको बहुत मजबूती आएगी। फाइबर 3.6 ग्राम होता है इसमें, क्योंकि ये मिलेट है, ठीक है, मिलेट के कैटेगरी में आता है। आयरन 3.9 ग्राम है और प्रोटीन 7.3 ग्राम है। जो इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो लगभग 54 से 68 तक जाता है, ठीक है, 54 से 68, और कहीं कहीं आपको 72 भी मिलेगा इसका। और इसमें कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो 72 होता है, और कैलोरी खाने के बाद 336 मिल जाती है भाई। तो मिलेट खाइए, नाचनी खाइए, बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़। इसके लड्डू बनाइए, जो मन के बनाइए, हलवा बनाइए, लड्डू बनाइए, रोटी बना खाइए, बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। बाकी 2 घंटे बाद देखते हैं इसका रिपोर्ट क्या आता है, लेकिन कैल्शियम भरपूर होता है भाई। हाँ ठीक है, तो रागी रोटी खा के 2 घंटा पूरा हो चुका है, देख सकते हैं 12 बज चुका है, ठीक है, तो चेक कर लेते हैं। रागी को बहुत से नाम से जाना जाता है, कहीं रागी बोलते हैं, कहीं यूपी में मड़ुआ बोलते हैं, कहीं नाचनी बोलते हैं, और इंग्लिश में फिंगर मिलेट बोलते हैं इसको, ठीक है, तो हर नाम से इसको जाना जाता है। तो जिस नाम से आपको जानना है आप जानिए उसको। और इसमें फाइबर भी काफ़ी ज़्यादा होता है, 3.6 ग्राम फाइबर होता है, और कैल्शियम का तो भाई बोलना क्या है, कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है।
देख सकते हैं 210 कितनी शुगर आई है मेरी, 210 यानी कि कितना शुगर बढ़ा है, 106 मेरी शुगर बढ़ी है, कितना 106 आप देख रहे हैं, यानी कि आप खा लेंगे रागी तो भी 50 ग्राम रागी खाया था प्लस सब्जी खाया था वो सब खाया था, कितना आया 210, ठीक है 210 आया, यानी कि शुगर जो मेरी बढ़ी है वो 106 बढ़ी है, क्योंकि 104 मेरी थी और 106 बढ़ी है, तो ठीक है। तो रागी खाने के बाद ही, क्योंकि इसका जो इसमें जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो 72 होता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट 72 ग्राम होता है, परसेंट होता है मतलब, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट 72 होता है, और प्लस इसका जो ग्लाइसेमिक लोड है वो 104 है, आप समझिए जरा बात को, ग्लाइसेमिक लोड कितना था 104 और शुगर कितनी बढ़ी है 106, आप बात को समझ लीजिए जरा, हाँ, और ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना है इसका 54 से लेकर 68 तक आता है, हाँ, तो ऐसा नहीं है, फाइबर ज़्यादा होता है, कैल्शियम ज़्यादा होता है, लेकिन इसमें कार्बोहाइड्रेट भी ज़्यादा होता है, 72 होता है, इसीलिए, और इसकी वजह से कैलोरी भी अच्छा मिलता है, 336 मिलीग्राम कैलोरी मिलती है। तो रागी खाइए, रागी बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं, रागी खाने से बहुत अच्छा है, इतनी शुगर तो बढ़नी है नॉर्मल 80-100 ये नॉर्मल बढ़ेगी, कुछ भी खाओगे बढ़ ही जाएगी, हाँ, तो रागी आप खाइए, रागी खाने से फ़ायदा भी है और बाकी हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है, हाँ, डॉक्टर बाकी सब वीडियो यूट्यूब पे है, बाकी मिलेट के बारे में इसमें डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वो भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है, तो वो सबसे देख लीजिएगा, बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, अगर थोड़ा अच्छे कमेंट कीजिए, हाँ, उसमें वीडियो बनाते रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।